जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं। यदि राजा उन पर पुल बंधा देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है, मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है, जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान हैं और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, सबका अनंत कल्याण करने वाली ही है, परंतु मेरी कविता भद्दी है, यह असामंजस्य है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता, इसी की मुझे चिंता है। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई ताट पर भी सुहावनी लगती है। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर को भूलकर सराहना करने लगे। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं है, और मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसीलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरियश का वर्णन कर सकूँ। कवि और पंडित गण, आप जो रामचरित्र रूपी मान सरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनंती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ, जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद थकावट नहीं होता। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ, जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहाँ से एक और संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले, और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्रह, इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती है, और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती है। श्री महेश और पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक, स्वामी और सखा है, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए शाबर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है और न जप ही होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है,
वे उमापति शिवजी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंडल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री राम चरित्र का वर्णन करता हूँ। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसी तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझबूझ कर कहें सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं है अर्थात बहुत है। उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पुर नर नारियों के पाप समूह को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक धाम में बसा दिया। मैं कौसल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। जहाँ कौसल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दृष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए, सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बड़ाई पाई तथा जो श्री राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ जिनका श्री राम जी के चरणों में गुड़ प्रेम था जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। भाइयों में सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता तथा जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में भौरे की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता। मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में जिनका लक्ष्मण जी का यश पताका को ऊंचा करके फहराने वाले दंड के समान हुआ, जो हजार सिर वाले और जगत के कारण हजार सिरों पर जगत को धारण कर रखने वाले शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया। वे गुणों की खानी कृपा सिंधु सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहे। मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ जो बड़े वीर सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूँ जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने श्री मुख से वर्णन किया है। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ जो दृष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप है, जो ज्ञान की घनमूर्ति है और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं। वानरों के राजा सुग्रीव जी, रीछों के राजा जांबवान जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जितना वानरों का समाज है सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ जिन्होंने अधम पशु और राक्षस आदि शरीर में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री राम जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सब के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं। शुक्रदेव जी, सनकादि, नारद मुनि,
आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेक कर उन सब को प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए। राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मैं मनाता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊँ। फिर मैं मन, वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बाणधारी भक्तों की विपत्ति का नाश करने और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्व समर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ।